परसों दिन वहां एक घटना हुआ है। गोंदलपुरा पंचायत का जो पंचायत समिति सदस्य है मोहन महतो, उसकी हत्या होती है और उसकी हत्या। पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम रांची का टाटी सिलुए में है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि रांची में रहे चाहे जमशेदपुर में रहे चाहे कहीं ये झारखंड का कोई कोना में रहे, लेकिन मुद्दा तो मुद्दा होता है। लेकिन आज हम लोग एक बड़का गांव का एक मुद्दा सुनेंगे। जब ये बड़का गांव से आए हैं ताकि मेरा भी कुछ हो और हम भी संवाद करें और ये जो जो मुद्दा है जन जन तक लोगों को पहुंचाए। जो आपका ये मुद्दा जो आप बोल रहे हैं किस प्रकार से लोगों को जमीन जबरदस्ती छीना जा रहा है, सबसे पहले तो हम आपसे इस बारे को लेकर बात करेंगे काहे कि क्यों छीना जा रहा है। काहे कि यहाँ पे आदिवासी मूलवासी की सरकार है, यहाँ पे देखा जाए तो सबसे अभी देखा जाए पहले होता था छत्तीसगढ़ी, अभी तो झारखंडी सरकार माना जाता है, लेकिन अभी भी इस प्रकार का शोषण क्यों? सबसे पहले तो आपके सारे जो व्यूअर हैं सभी को मेरा जोहार। ये जमीन की लूट झारखंड में कोई नई बात नहीं है। शुरू से यहाँ जो उद्योग के नाम पर जो जमीन लूटा जाता है, पहले तो ये समझना चाहिए कि ये उद्योग में सिर्फ उद्योगपति और राज्य सत्ता को फायदा होता है, उसको चुनावी चंदा मिलता है। ये जो उद्योग है उसमें जनता की विकास होती ही नहीं है। अगर जनता की विकास करना हो तो उसके लिए के नीतियां ही अलग होगी। सबसे पहले आपका जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र से आप आ रहे हैं, जिस क्षेत्र का जमीन को लेकर लड़ रहे हैं, उस क्षेत्र का पूरा बढ़िया डिटेल से बताइए ताकि लोग जो देख रहे हैं वो देख के पूरा आपका बातों को आपका जो मुद्दा है उसको पूरा समझ सके। देखिए, मैं बड़कागांव क्षेत्र से हूँ और वहाँ 35 कंपनियों का कोयला खनन के लिए आवंटन हुआ था, उसके खिलाफ संघर्ष चलते रहा है। अभी वहाँ 2-3 मोर्चे पे बहुत मजबूत लड़ाई चल रही है, उसमें एक गोंदलपुरा का नाम आप लोग सुने होंगे। तो गोंदलपुरा में अडानी कंपनी को खनन करने के लिए मिला है और जब से वहाँ आवंटन हुआ है तब से वहाँ के लोग बड़े मुखर ढंग से वहाँ की लड़ाई को लड़ रहे हैं। वहाँ जब लोक सुनवाई हुई भूमि अधिग्रहण का कानून सेक्शन 4 में, जब लोगों को ये कहा जाता है कि क्या ये परियोजना खुलना चाहिए या नहीं, और खुलना चाहिए तो यहाँ लोगों का हर तरीके से सामाजिक क्या प्रभाव पड़ेगा उसका आकलन कराया जाता है, उसका वहाँ के लोगों ने मुखर विरोध किया। मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ 3-3, 4-4 आम सभाएं कराया सरकार ने, लेकिन किसी भी सभा को सफल नहीं होने दिया और उन्होंने ये साफ कहा कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे। सेक्शन 6 तो वहाँ कराया ही नहीं। और आज मैं बता दूं कि वहां 12 मार्च से वहां की जनता लगातार धरना पे बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं, और फिर भी वहां सेक्शन 11 लगा दिया गया। तो सेक्शन 11 ये होता है कि सेक्शन 10 का धारा 2 है, वो ये कहता है कि क्या अगर वहां कृषि योग्य जमीन है तो वहां गैर कृषि कार्य नहीं होना है, लेकिन वहां खेती योग्य जमीन है, बहुफसली जमीन है, वहां हमेशा खेती होता है, बावजूद उन चीजों को फर्जी रिपोर्ट बनाकर नकार के सेक्शन 11 लगा दिया गया वहां की जमीन अधिग्रहण करके अडानी को देने के लिए। तो ये जो जबरदस्ती हो रहा है इसमें हम ये कहना है क्या आज हम लोग लोकतंत्र में रह रहे हैं कि क्या रह रहे हैं, समझ में नहीं आता ये कैसा लोकतंत्र है। अंग्रेजों ने भी ऐसी कानून नहीं बनाया था जैसा कानून है आज हर 3 मिनट में बदल रहा है, किसी उद्योगपति के लिए ये बड़ा विचारणीय बात है। और मैं एक ताजा बात बता दूं कि अभी फिलहाल आंदोलन को किसी भी तरीके से कुचलने जब नहीं सका सरकार, कंपनी नहीं कुचलने सकी, तो परसों दिन वहां एक घटना हुआ है। गोंदलपुरा पंचायत का जो पंचायत समिति सदस्य है मोहन महतो, उसकी हत्या होती है और उसकी हत्या घर से ही लोग अपहरण करके ले जाते हैं। अगर बढ़िया से उच्च स्तरीय जांच हो जाए तो ये तार कहीं ना कहीं कंपनी के अति से जुड़ेगा, तो इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मैं एकदम दावे के साथ कहता हूं जहां जहां भी इस तरीके से उद्योग खुलते हैं वहां वहां इस तरह के काम होता है और इसका उच्च स्तरीय जांच हो तो इसका इस मौत का घटना जो है तार कंपनी से जुड़ेगा, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूं, लेकिन इसकी निष्पक्ष जांच हो तब ना। एक बात हम पूछना चाहेंगे काहे कि आप जिस प्रकार से बोल रहे हैं सरकार को हम लोग झारखंड सरकार है उनको हम लोग बोलेंगे क्या, उनको दोषी अगर ठहराएंगे तो उस क्षेत्र का मैं आपका पार्टी ना बोलिए लेकिन विपक्ष और पक्ष में बात कीजिएगा, काहे कि उस क्षेत्र में आप जिस क्षेत्र में बातें कर रहे हैं उसके विधानसभा और लोकसभा में पक्ष है कि विपक्ष के सरकारें हैं? वहां तो जो विधानसभा में जो सरकार है उसके हमारे विधायक जी हैं जो सरकार के पक्ष में है, सरकार के पक्ष में है। अच्छा, और लोकसभा में? लोकसभा में तो आप जान रहे हैं एनडीए का सरकार है, लेकिन बात यह है कि सरकार चाहे किसी का भी हो सभी लोग उसी रूल नियम में जाते हैं और सबका भले झंडा का रंग अलग हो इसके पीछे डंडा एक ही होता है और सबको उद्योगपतियों से चंदा चाहिए होता है और जनता से ये लोग वोट लेने आते हैं।
तो चंदा के लिए उनके पास जाते तो कोई इसके खिलाफ नहीं जाते। तो आज कोई पक्ष हो चाहे कोई विपक्ष हो, कोई भी पक्ष नहीं है, जनता विपक्ष है और जेबीके से जैसा संगठन आज इस बात को हर जगह अच्छे से लड़ रही है। तो जेबीकेसेस हो चाहे अभी जेबीकेसेस इस मुद्दे पे उठा रही है, आगे देखते हैं जेबीकेसेस का बात, लेकिन वहां पे जो जनता को तराइम कर रहा है, क्या अभी जनता क्या वहां आसपास के लोगों ने कभी इस बात को लेके कभी बात उठाया कि ये नहीं होना चाहिए बोल के? बहुत शुरू से इसका विरोध मुखर होता रहा है और आपको पता होगा कि विधायक जी ने विधानसभा में ये बात रखा था और इसका भी गोल मटोल जवाब वहाँ विधानसभा में दिया गया। मैं दावे के साथ कहता हूँ इनके जितने भी रिपोर्ट्स बने हैं, चाहे वो वन भूमि अधिग्रहण करने का हो, चाहे वो गैरमजरूआ जमीन लेने का हो या रैयत का हो, तमाम रिपोर्टें फर्जी तरीके से बना है, उसमें ग्राउंड लेवल में कोई बात नहीं हुई है। मैं इसके सारा रिपोर्ट दे सकता हूँ, हालांकि मैं वो पेपर्स नहीं लाया हूँ। तो अभी हम लोग जिस प्रकार से बातें कर रहे हैं, कहा कि सरकार राज्य सरकार का हो चाहे केंद्र सरकार का हो, लेकिन बात यह है कि अभी 2024 है, उसमें कैसे किस प्रकार का जवाब देना है और जो वहां का जनता को किस प्रकार से आप जो लड़ रहे हैं किस प्रकार से लड़ना चाहिए ताकि जनता सुने, बस अंतिम शब्दों के साथ आप बताइए। जनता को समझना पड़ेगा कि आप विकास कैसा चाहते हैं, क्योंकि अगर आप उद्योग को चुनते हैं तो इसका फायदा राज्य सत्ता और उद्योगपति को मिलेगा। आपका जनता का विकास तभी होगा जब कृषि केंद्रित लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और इस विकास में जनता केंद्र में होगी। तो जब तक कृषि आधारित उद्योग का मॉडल नहीं बनेगा विकास का, तब तक जनता को लाभ नहीं होगा। ये बात हम लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं, हम जनता से ये कह रहे हैं कि जितनी तमाम पार्टियां हैं सभी वर्तमान विकास मॉडल में चल रही हैं। तो ये जो उद्योगपतियों के या राज घरानों के लिए काम करती है, तो जनता का विकास तभी होगा जब लोक केंद्रित विकास मॉडल को लोग समझेंगे और ये बात हम कह रहे हैं, लोग समझ रहे हैं और निश्चित रूप से 24 में हमको इस लोक केंद्रित विकास मॉडल के लिए जेबीकेसेस को मदद करेंगे। तो अभी बात हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जनसैलाब तो उमड़ा था, लेकिन हमने किसी से बात किया, कहा कि वहाँ का मुद्दा बहुत ज्यादा है, इस मुद्दे को आप लोग जन जन तक शेयर करिए, शेयर करने से इस मुद्दे को लेकर के और जो भी जनता अगर आपके ऊपर में आज इस प्रकार का ये नहीं उत्पन्न हो रहा तो कल के आपके ऊपर में ये उत्पन्न होगा, इसीलिए आप लोग मिल के रहिए, जुड़ के रहिए, जो भी आंदोलन कर रहा है चाहे आंदोलन कर रहे उन लोगों को सपोर्ट कीजिए। इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज में कोई न्यूज को इनका आवाज को जन जन तक शेयर कीजिएगा और पब्लिक एक्शन न्यूज में बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।